अक्सर आपने ये बात सुनी होगी लोगों को कहते हुए कि जितना भी कष्ट है इस शरीर का है, उसके बाद तो मुक्ति है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि शरीर को तो वो कष्ट मिलता है जो हमें जीते हुए मिलता है, जिसका दुख दर्द हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है? तो आइए आज की वीडियो में हम आपको यही बातें बताएंगे कि आखिरकार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। मृत्यु के बाद हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर का तो अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दिया जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में हमारे गरुण पुराण में बताया गया है कि आखिर मौत के एक घंटे बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है। और इसमें कुल 7 तरह की अनुभूतियों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला इस प्रकार है। नंबर 1, अचेत अवस्था। इसमें यह बताया गया है कि जब हमारी आत्मा शरीर का त्याग करती है तो कुछ वक्त तक वो अचेत अवस्था में रहती है, यानी उसे किसी भी तरह की बात का पता नहीं चलता है। उसे यह भी ज्ञात नहीं होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे बस उस वक्त अजीब सी थकान और बेचैनी महसूस होती है और कुछ समय बाद वो अचेत से सचेत अवस्था में आ जाती है और खुद को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करती है। हालांकि उसे पुराने शरीर को त्यागने के बाद काफी दुख भी होता है। नंबर 2, समान व्यवहार। शरीर से प्राण के निकलने के बाद भी आत्मा को कुछ देर तक इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो अब इस शरीर को त्याग चुका है, अर्थात उसके शरीर की मृत्यु हो चुकी है और वो आत्मा ऐसे ही व्यवहार करती है जैसा वो शरीर में रहते हुए करती थी और अपने रोजमर्रा के कार्यों को भी करने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका अब इस शरीर में समय पूरा हो चुका है और अब उसके नए शरीर में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। नंबर 3, बेचैनी और छटपटाहट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आत्मा को इस बात का एहसास काफी देर से होता है कि अब उसका समय इस शरीर में खत्म हो गया है और इसीलिए वो जब अपने आसपास अपने सगे संबंधियों को देखता है और उन्हें रोते हुए तड़पते हुए देखता है तो उसे अलग ही घबराहट और बेचैनी होती है और वो उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है लेकिन वो अपनी आवाज उन तक नहीं पहुंचा पाता। नंबर 4, नहीं होता है संचार। आत्मा इतने दिनों से किसी एक शरीर में रहती है इसलिए उसका उस शरीर से लगाव हो जाता है और वो अपने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार शरीर को त्यागने के बाद लाख चाहकर भी वो अपनी आवाज किसी तक नहीं पहुंचा पाती। नंबर 5, पुनः प्रवेश का प्रयास। अब आत्मा इतने दिनों से उस शरीर में रहते रहते उस शरीर से एक लगाव सा महसूस करने लगती है और उसमें फिर से जाने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा नहीं करने देते और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं और समय के साथ वो आत्मा भी इस बात को स्वीकार कर लेती है। नंबर 6, दुखी होना। आत्मा अपने शरीर से अलग होने की वजह से बहुत दुखी तो होती है, लेकिन इसी के साथ ही साथ वो अपने परिवार और मित्रगण को रोता बिलखता देखकर उसे बेहद अफसोस होता है और उसे अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। नंबर 7, कर्म और पुनर्जन्म। आत्मा एक बार शरीर को त्यागने के बाद निकल पड़ती है उस संसार की तरफ जहां उसे अपने जीवित रहते किए गए कर्मों का फल मिलना और अपने नए जीवन का एक नया सफर शुरू करना है। जी हां, कुछ आत्माएं जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो जल्दी अपना कर्म भुगत कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं वो लंबे समय तक अपने कर्मों का फल भुगत कर नए शरीर में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हमने आत्मा के साथ मृत्यु के बाद होने वाली 7 अनुभूतियों के बारे में डिटेल में चर्चा की और उम्मीद है कि आपको ये देखने में काफी अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें।